तो भैया इधर हमारा दीपक भैया है इधर। हेलो हेलो दीपक भैया, कौन सा गाना गा रहे हैं? मॉडल मस्त लागे है ना। दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जरा सा भी इसकी मत करना, कंटिन्यू चलने देना और सपोर्ट बनाए रखना। और चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं। जानवर आवाज दे रहा है तो देख सकते हैं, अभी हम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा जानवर था, क्या चिल्ला रहा था वो। तेरी भैयू टोटा मुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ जानवर कौन सा बोला? कौन बोला, कौन बोला बता, किधर बोला? हम फिर देंगे सारे। एक टोटो मन है, तीन टोटा हो गया। सुनम मन है के समझ। खाली लड़ने जा रहे हैं, पता नहीं ऐसी आवाज़ दी अचानक, बहुत जोर जोर से ऐसी आवाज़ आ रही थी, मतलब जैसे कुछ जानवर है और चिल्लाए भी वो बहुत जोर। दोस्तों हम रास्ते पे आ गए, बाकी ना इधर कुछ दिख रहा ना इधर दिख रहा। समर्थ कुराड़ी लेके तैनात है कि कब आए और कब मोड़ दूँ उसको। बाकी इधर मक्का बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, देख सकते हो, तो हो सकता है इसके अंदर घुस गया हो। कई सिस्टम समझ में नहीं आया, मतलब क्या जानवर था कुछ सोच भी नहीं सकते। ऐसी आवाज़ थी बहुत भयानक डरावनी, मैं तो खड़ा हो गया था देख के। छोटा को देख सकते हो, छोटा भी तैनात है बिना चप्पल में। पानी वाली रहा सही, फिर से चिल्ला कहाँ गए हो मामा? बोल, ऐसे बोलते जा, अभी बोलते जा रहा इसे। अभी क्या बोल रहा था? तो वीडियो बनाते थे, कहीं नहीं बोलते। सब दिन भाई देख सकते हो ना, कुछ घुस चुका था खेत में, क्या पता मिल नहीं रहा। और आप ढूंढ रहे हैं हम उसको, मिल जाएंगे साले को, आम के खा जाएंगे। ये कुराड़ी किस काम की भैया? इसको उसको काटने के लिए जानवर को। ऐसा? हाँ। कुराड़ी से मार डालोगे? हाँ। चलो आप फिर किधर गया वो? क्या बता, आप इसको ढूंढे और फिर खाएंगे राम के, तो ये से काटेंगे। सुअर आ रखा मैंने सुना, जंगली सुअर। क्या पता क्या सुअर है, बहुत परेशान कर रहे, भुट्टे उट्टे खाने के लिए खा जाते बोले। हाँ। है ना? हाँ। तो उनको पकड़ने के लिए कुछ जाल बिछाया? नहीं। क्यों यार? कुराड़ी से काटेंगे। तो गाइस हम लोग अभी शहद निकालेंगे, ऊपर बैठा हुआ है उसको, क्या बोलते हैं ऊपर बैठा उसको, समर महाल बोलते हैं, महाल। तो अभी हम देखो तुमको दिखाते हैं, जस्ट ऊपर है हमारे। दो शब्द हाय। समझ रहे हो? हाँ, कुछ को तो गाइस यहाँ देख सकते हो, पानी पानी है। और भैया समर क्या करेगा? समर इससे बात करना। क्या बात करना? इंदौर का सामान। हमको डरना ना साला चोटी। बीज है? सोयाबीन के बीज। इसको आप नींबू के गोड़ में डाल देना। समझ ठीक है ब्रो, मिलते है नहीं? कुराड़ी लेकर ठीक है गाइस, मैं भी घर जा रहा हूँ अभी, मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहे लास्ट तक, मजा आएंगे। क्लास पे वैसे पता नहीं है कि क्लास है, बट अभी ओपनिंग भी बाकी है और यहाँ पर आया है भाई, जो कि मुझे बताया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, तो आ गया था, सरप्राइज दे दिया। पता नहीं सरप्राइज उसको महंगा पड़े, खर्चा उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं क्लास पे और दीपक भी आज ही आया है। वैसे ये रहता धार में, बट ये ना स्पेशल मेरे से मिलने आ जाता है। और आयुष से मिली, आयुष को तो आपने पहले भी व्लॉग में देखा ही है ना आयुष? हाँ
और अभी लास्ट तक ब्लॉग देखना कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं क्या करके। वैसे तो अभी हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसको भी डांस सिखाती मैं, ये डांस करेगा अभी मेरे साथ। तो ये कैसा डांस, हाँ इसकी शादी जल्दी होने वाली है तो उसी की शादी के लिए हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं डांस वगैरह। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। और अभी मेरी क्लास का ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, जब ओपन करूँगी तब पता चलेगा। और अगर आपको भी क्लास आना है तो आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो देखते रहिए। हम डांस करके थक चुके हैं तो अभी हम खाएंगे बेक समोसा। और ये भैया भी घर से आया था और ये लोग भी धार से आए थे, तो अब क्या करूँ, इनकी सेवा चाकरी यही खिला देती हूँ। भूख भी लग रही थी, लग रहे थे मैं खा का था खाना, मेरे को बहुत देर से लगी थी उस टाइम चाय में। ब्लॉग शूट कर लेना, तो ब्लॉग शूट कर। अरे उसको लेना है ना, लो ना, पसंद करो। हम आ चुके हैं फिरकी फैशन के यहाँ पर, जहाँ पर बॉयज शूज मिलते हैं। तो भैया इधर हमारा दीपक भैया है इधर। हेलो हेलो दीपक भैया, कौन सा गाना गा रहे हैं? मॉडल मस्त लागे है ना, पीछे पीछे क्या आ गए ना, क्या इतने स्मार्ट दिखने लग गए ना कि मेरे को पहचान में नहीं आ रही सच में। ले भैया को देख, क्या लेना है? हमें मौका मिला है दीपक भैया के साथ शॉपिंग करने का, आज जितना भी हो फैन होगा दीपक भैया। यहाँ पर जूतों का पूरा ढेर लग चुका है, कितने जूते हैं देख सकते हो। दीपक भैया आप तो ना पूरा खरीद के थार लेके आना था सब। तू क्या लेना चाहता, ले ले सिलेक्ट कर ले। हाँ ले ले, इसके लिए मतलब मैं भैया के लिए। और आप? मेरे लिए नहीं, देख लूंगी कभी कुछ इसके साथ चलो ऐसा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लेना है दीदी को जूते। दीपक भैया का भी ब्लॉग चल रहा है, मेरा कल बर्थडे है ना इसलिए दिला रहे। सच में हैप्पी बर्थडे दीदी एडवांस में। एडवांस में क्या, ब्लॉग तो कल ही डालेगा, मतलब कि हैप्पी बर्थडे ये सब। अच्छा ऐसा, ठीक है। देखो हम कितने लकी है, ब्लॉग में आएंगे कल के ब्लॉग में। यहाँ पर अभी हाँ अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस है इनकी? कौन सा जूता? ये टरकड़ा बूट, टरकड़ा नहीं ये जिबड़ी। सही है, नीचे मारी थार। मुझे भी जूते पसंद आ गए हैं और ये दीदी बोल रहा है कि मैं दिलाती हूँ ले ला। तो अभी मैं ले रही हूँ इधर, पर अच्छा लग रहा है ना दीदी। मैंने भी बड़े मंगाए, मैंने तो नहीं लिए, पर ये सब मेंटेन वाले और खास कर तो दीदी को पसंद आया। इधर सब मैंने लिए, महेश के लिए सर, इधर दीपक लिए। मैंने तो लिए नहीं, मैंने तो लेके दिए। मैं भी तो लेके ही दे रही हूँ। तो गाइस अभी भीड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है ना कि मैं कुर्सी पे अभी खड़ी होके यहाँ पर ब्लॉग बना सकती हूँ। पड़ी ना इतना तो दोस्तों इनको देख सकती है, मेरी बहन ने मेरे को जूते उते दिला दिए हैं और बहुत पैसे कमाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे बड़ी बहन है तो उसका फर्ज निभा रही है। और दीपक भैया साथ में, महेश भैया साथ में, हम सब साथ में आए हुए हैं और हमने तीन जोड़ जूते ले लिए। अभी चलते हैं भी नहीं अभी मेरी स्कूटी को। तो गाइस अभी यहाँ पर इंदौर का ट्रैफिक लग चुका है, अभी हम भंवर कुआं पे दीदी को पिकअप करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर। और दीपक भैया शायद दोस्त के साथ गए हैं ना यार, इनसे बड़े वाले भैया। हम इधर महेश इसके दीपक भैया के रूम पे आए, अभी चाय वाय पियेंगे। कार इधर, हाँ हेलो
रूम आए, ठंड बहुत ज्यादा थी तो दीदी हमको चाय बना के पिला रहे हैं भैया। थैंक यू सो मच दीदी। दीपक भैया देख सकते हो आप नहीं हो फिर भी हमारी फुल इधर सेवा चल रही है। तो गाइस इधर भैया आए मिलने अभी हमारे हीरो से। अच्छा दिख रहा कि नहीं? अरे एक नंबर दिख रहा है तेरा भाई तो सुपरस्टार है रे। भाई आप खोल लो, आप तो ऑप्शन भी है। अरे मत खोल, अरे मत खोल ले वो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि बहुत दिनों बाद और दीपक भैया वगैरह सब मिले थे तो बहुत अच्छा ब्लॉग बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों।